हाय गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सांस की नली में सूजन हो जाती है कभी कभी। सांस की नली में सूजन जो है बहुत सारे कारणों से हो सकती है और कभी कभी आपका डॉक्टर उसने बीमारी का डायग्नोज बना लिया है, पहचान लिया है बीमारी क्या है, लेकिन वो आपको जो है आम भाषा में समझाना चाहता है तो वो आपको जनरल शब्द में कह देता है कि आपके सांस की नली में सूजन है। तो देखिए, सांस की नली की जो सूजन है उसको पहचान करने के लिए सबसे पहला ज़रूरी काम होता है कि आप अपने नज़दीकी किसी भी अच्छे डॉक्टर से मिलें। डॉक्टर जो है स्टेथो से, जो इस तरह के जो डॉक्टर के पास सुनने की जो ये स्टेथोस्कोप होती है उससे सुन करके आपकी छाती के अंदर से जो आवाज़ आती है वो आवाज़ अलग अलग बीमारियों में अलग अलग तरह की होती है। तो उस आवाज़ को सुन करके जो है डॉक्टर पहचानते हैं कि कौन सी बीमारी है। देखिए, कुछ लोगों को सिंपल एलर्जी हो जाती है जब भी मौसम बदलता है, कुछ लोगों को एलर्जी नहीं होती है, उन लोगों को बचपन से ही दमा अस्थमा वगैरह की दिक्कत होती है, कुछ लोगों को न्यूमोनिया वगैरह या छाती की टीबी वगैरह इस तरह की कुछ और गंभीर समस्या चल रही होती है। तो जो मेरे एक व्यूअर हैं, मेरे एक दर्शक हैं, इन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा था कि इनको सांस की नली की पर सूजन आ गई है और उसका ये ट्रीटमेंट जानना चाहते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको ट्रीटमेंट तो रिकमेंड नहीं करूँगा, वो तो आप जो है किसी नज़दीकी डॉक्टर से जाकर के ही लेंगे, लेकिन इसमें क्या ट्रीटमेंट चलता है वो नॉलेज मैं अपनी ज़रूर शेयर करूँगा आपके साथ। तो इस तरह की बीमारियों में किस तरह का ट्रीटमेंट चलता है उसको शेयर करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसमें कुछ ज़रूरी जांचें होती हैं। सबसे पहले टेस्ट आता है एक्सरे, कुछ बलगम के टेस्ट होते हैं, कुछ खून के टेस्ट होते हैं, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो सीटी स्कैन वगैरह की भी जाँच हो जाती है। ये सब जाँचें चेक करा के डॉक्टर जो है, और जो उन्होंने डॉक्टर ने विश्लेषण किया है, आपकी पूरी बीमारी को समझा है, उन सब चीज़ों को मिला करके डॉक्टर एक नतीजे पर पहुँचता है। तो अब बात करते हैं इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। इसके पीछे कारण हो सकता है एलर्जी। कुछ लोगों को एलर्जी होती है, सिंपली उनको धूल मिट्टी से एलर्जी होती है, या जब भी मौसम बदलता है तो उनकी सांस की नलियों में एलर्जी हो जाती है, उसमें सिकुड़ाहट हो जाती है, या फिर कुछ लोगों को बचपन से ही अस्थमा दमा वगैरह की दिक्कत होती है, कुछ लोगों को न्यूमोनिया हो जाता है, न्यूमोनिया जो है किसी भी इन्फेक्शन के कारण होता है, कुछ लोग जो है धूम्रपान का सेवन करते हैं 20-25 साल से, बहुत लंबे समय से धोखा बीड़ी पीते हैं, तो उन लोगों के फेफड़े भी कमजोर हो जाते हैं, उन लोगों को भी इस तरह की दिक्कत रहती है। इसके अलावा कुछ लोगों को दिल की बीमारी की, जिन लोगों को दिल की दिक्कत होती है उसकी वजह से भी उन लोगों को सांस में दिक्कत होने लग जाती है। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ ट्रीटमेंट की, इसमें क्या ट्रीटमेंट चलता है। देखिए, जो ट्रीटमेंट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ये सिर्फ मैं अपनी नॉलेज आपसे शेयर कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल कोई दवाई आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिल करके इन दवाइयों के बारे में डिस्कस करके दवाई लेना। तो इसमें जो दवाइयाँ चलती हैं सांस की नली की सूजन की, वो सबसे पहले चलती है स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स का सेवन जो है कभी भी लंबे समय तक नहीं करना चाहिए। स्टेरॉइड्स सूजन को उतारने की बहुत अच्छी दवाई होती है, लेकिन इसके साथ साथ ये कुछ साइड इफेक्ट भी पैदा कर सकती है अगर इसको लंबे समय तक आप बिना किसी सोच समझ के खाएंगे। तो डेफ्लाजाकोर्ट टैबलेट, डेफ्लाजाकोर्ट 6 mg की एक गोली होती है, एक गोली दिन में एक बार लेनी होती है। 5 से लेकर 7 दिन तक इस दवाई का सेवन करने से सांस की नली में जो सूजन होती है वो उतर जाती है। आप लोगों को बता दिया, टैबलेट डेफ्लाजाकोर्ट 6 mg का प्रयोग जो है 5 से 7 दिन तक किया जा सकता है। नेक्स्ट जो दवाई आती है वो आती है मोंटिल्यूकास्ट। मोंटिल्यूकास्ट जो है वो 10 mg की एक टैबलेट होती है, रात को इसका प्रयोग किया जाता है। मोंटिल्यूकास्ट जो है सांस की जो नलियाँ होती हैं उसकी किसी भी प्रकार के एलर्जी को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है, और ये ऐसी दवाई है इसका प्रयोग जो है डॉक्टर लंबे समय तक करा सकते हैं, चाहे वो COPD के मतलब होका बीड़ी वाले मरीज हों, या फिर दमे के मरीज हों, या किसी भी प्रकार की सांस की नली में सूजन आ रही है, मोंटिल्यूकास्ट टैबलेट जरूर चलती है। 10 mg की एक गोली होती है, रात को एक बार लेनी होती है। इसके साथ कुछ कॉम्बिनेशन आते हैं दूसरी दवाइयों के, जैसे मोंटेर LC, इसमें जो है लिवोसिट्रिजिन का कॉम्बिनेशन भी मिल जाता है, तो इसका भी प्रयोग जो है डॉक्टर कराते हैं। तीसरे नंबर की जो दवाई आती है वो आती है डॉक्सीफाइलिन। डॉक्सीफाइलिन जो होती है सांस की नलियों को खोलने की दवाई होती है। सांस की नलियाँ सिकुड़ जाती हैं जब भी किसी प्रकार की इस तरह की दिक्कत होती है, सांस की नलियों को खोलने के लिए डॉक्सीफाइलिन जो टैबलेट होती है 400 mg की गोली का प्रयोग कराया जाता है, एक गोली सुबह एक शाम को। लेकिन अगर बीमारी कम हो, खांसी वगैरह कम हो, और रोगी को दिक्कत सांस में ज़्यादा ना हो, तो आधी गोली सुबह आधी गोली शाम को दी जाती है। इससे आगे जो दवाई प्रयोग करवाई जाती है वो आते हैं रेस्प्यूल्स। मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग जो है सांस की दिक्कत की वजह से भाप लेते हैं, तो ये रेस्प्यूल आते हैं डोलिन या बुर्डिकोर्ट के, उनका प्रयोग जो है सुबह शाम देते हैं डॉक्टर। इसके साथ साथ कुछ ऐसी मशीनें भी होते हैं जैसे इनहेलर वगैरह होते हैं, या फिर रोटा कैप, मतलब कैप्सूल डाल करके सूंघते हैं मरीज, इस तरीके से जो है मरीज उन कैप्सूल्स को लेते हैं, दवाई फेफड़ों के अंदर पहुंच जाती है और रोगी को सांस की नलियां खुल जाती हैं, उसको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। और ऐसी बीमारी की स्थिति में रोगी को ठंडी और खट्टी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वो बिल्कुल मना होती है। और ये लोग जो है च्यवनप्राश का सेवन कर सकते हैं। च्यवनप्राश अगर लेंगे ये 1 चम्मच डेली जो है, 1 चम्मच तो मिनिमम आप लीजिए, उनसे भी बहुत ज़्यादा आराम इन लोगों को मिलता है। ये हैं दवाइयाँ जो इस ऐसी स्थिति में डॉक्टर प्रयोग करवाते हैं, पर भाई अपने डॉक्टर की सलाह, अपने नज़दीकी डॉक्टर की सलाह भी ले लीजिएगा। और दूसरे लोगों को भी अगर सांस की किसी बीमारी की दिक्कत है तो आप भी जो है मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन का जवाब दूं। और चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करना वीडियो अगर अच्छी लगती है। और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।